पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री परिवार महायज्ञ समिति की ओर से मां पीताम्बरा देवी बगलामुखी की जयंती को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शनिवार को जिगर कॉलोनी स्थित दरबार में हुई बैठक में अध्यक्ष सिद्धपीठ गुरुद्वारा शोभा यात्रा समेत भजन संध्या और भंडारे की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें संस्था से जुड़े सभी लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष गुरु राजेंद्र पाल गुप्ता ने बताया कि पिछले 43 वर्षों से मां पीताम्बरा देवी बगलामुखी का स्थापना दिवस संस्था द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बार 16 मई को भूमि पूजन विधि विधान के साथ किया जाएगा, उसके बाद 20 मई को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि 21 मई को सुबह पूजन और रुद्राभिषेक वाराणसी के ब्राह्मणों द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही शाम को भजन संध्या होगी, तो वहीं 22 मई को यज्ञ और भंडारा आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि सभी धर्म प्रेमी इस अनुष्ठान में सम्मिलित हों और प्रसाद ग्रहण कर ज्यादा से ज्यादा धर्म लाभ कमाएं। अब तक जो है ये माँ बगलामुखी जयंती स्थापना जन्मोत्सव के रूप में ये 43 स्थापना दिवस है और इसी क्रम में 16 मई को भूमि पूजन का कार्यक्रम है, 20 मई को शोभा यात्रा के रूप में माँ भ्रमण के रूप के हिस्से में जहाँ जिगर कॉलोनी में पार्क में आगे स्थापित हो जाती है और 21 मई को सुबह पूजन, उसके बाद रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा जो बनारस से आए हुए ब्राह्मण उनके द्वारा रुद्राभिषेक का कार्य संपन्न होगा और इसी क्रम में शाम को सुंदरकांड का कार्यक्रम है, साथ साथ प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम चलता रहेगा। 22 मई को सुबह 8:30 यज्ञ का कार्यक्रम है, उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम है। इस सब के बावजूद शाम को भजन संध्या विशाल भजन संध्या के रूप में और सम्मान समारोह के रूप में संपन्न ये कार्यक्रम होगा। अच्छा, सभी महानगरवासियों धर्म प्रेमियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सब शहर राशियों से, धर्म प्रेमियों से, माँ के भक्तों से ये अनुरोध करूंगा और आह्वान करूंगा कि इस कार्यक्रम में आकर धर्म लाभ कमाएं और अपनी सहभागिता कार्यक्रम में दें। कार्यक्रम के जो है सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और सबको माँ के भक्त जो है, जो जुड़े हुए लोग हैं, सबको जो है सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग दे दी गई हैं। वो अपनी तैयारियों को, अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर जो है निभाएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।